तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपकी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने टाइटल एंड थंबनेल से पढ़ लिया होगा। तो यार ये ना एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है यार। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार ये है ईटिंग चाप फॉर 24 आवर्स। ओ माय गॉड यार, लाइक सीरियसली, मतलब चाप 24 आवर के लिए यार मतलब मजे आ जाएंगे। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था कि पनीर या फिर चाप, तो सबने पनीर भी किया था, पर तो चाप जीत गया। अगर आप लोगों को भी पोल पे हिस्सा लेना हो तो यार नीचे सारे सोशल मीडिया हैंडल आ रहे होंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो यार फटाफट से ना टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से ना गाड़ी में चलते हैं और फटाफट से ना यार अपने चाप ढूंढते हैं बढ़िया से, एंड फिर आपको अपने चीज़ें मिलवाते हैं। सो अब यार हम चल पड़े हैं अपनी चाप ढूंढने के लिए 24 आवर चैलेंज की शुरुआत करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे, एंड मुझे देखना है कि यार हम कौन कौन से बढ़िया बढ़िया सी चाप खाएंगे। सो यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, और अब फटाफट से ना यार अपनी चाप ढूंढते हैं और अपना स्नैक्स की शुरुआत करते हैं बहुत जल्दी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, एंड यार आज हम जाएंगे मेरे कैसे सेक्टर 10 की मार्केट है, जहाँ पे मतलब और वीर जी, सरदार जी, वाजी और सब होता है वहाँ पे, और बाकी जैसे एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। पर फटाफट से ना यार अपना चलते हैं स्नैक्स ढूंढते हैं। शुरू करने आ चुके हैं 24 आवर वाला चैलेंज चाप का यार बढ़िया से। तो इसके लिए हम आ चुके हैं सरदार जी मलाई चाप वाले, एंड यहाँ पे यार इतनी वैरायटी है भाई, इतनी वैरायटी है चाप की, पूछो मत। हरियाली चाप, मसाला चाप, लेमन चाप। तो भाई देखते हैं कौन सा करते हैं, एंड अपना यहाँ से ना इवनिंग स्नैक्स और डिनर फटाफट उठाते हैं, घर जाके बढ़िया से दिखाएंगे आपको। यहाँ पर और वीर जी भी है यार, कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो देखते हैं अभी सरदार जी लेते हैं, फिर बाजिया से ले लेंगे और अगले किसी और से ले लेंगे। तो यार देखते क्या करते हैं। तो एक चीज हमने सरदार जी मलाई चाप वाले उठा लिए, और एक हम उठा रहे हैं बाजी बा से। तो यार देखते हैं अपना स्नैक्स और डिनर बढ़िया से करेंगे, फिर देखेंगे आगे ब्रेकफास्ट का भी क्या करना है। लंच में देखो कुछ बढ़िया करेंगे यार, तो मसाले वाली चाप हो, कढ़ाई चाप, मतलब जो मजे है ना यार देखो वो खाएंगे। अब फटाफट से अपने स्नैक्स की तैयारी करते हैं, उसको लेते हैं और जल्दी से घर निकलते हैं यार। और अपनी चीजें आ चुकी है यार, एक आई है बाजी वासे और एक आई है दार जी मलाई चाप वाले से। यार हमने अपने स्नैक्स का और रात के डिनर का इंतजाम पूरा बढ़िया करके आए हैं यार। और तो देखो आपने देख लिया होगा कि यार बहुत ना मच्छर बहुत है बाहर, और वहाँ पे खड़ा होकर खा भी नहीं जा सकता, मतलब अच्छे से लाइटिंग भी नहीं होती, फिर मच्छर भी बहुत होते हैं। तो यार थोड़ा हाइजीनिक लिए अच्छा नहीं लगा मेरे को। सोचा घर आगे बड़ी से प्लेटिंग एंड ऑल करेंगे यार। आपको जैसे पिछली बार दिखाया था 24 आवर वीडियो में, जो रेडी टू ईट वाली वीडियो थी, दाल मखनी वाली, ओहो क्या चुम्मा बनी थी यार वो चीज़, मज़ेदार यार। फटाफट से अपना स्नैक्स का शुरू करते 24 आवर इन 3, 2, 1। Pardon me, why don't you come over here? तो भाई आपने अभी शॉर्ट्स देखे होंगे, आपको शॉर्ट कैसा लगा यार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड मुझे और भी बताना कि मैं नेक्स्ट 24 चैलेंज कौन सा करूँ, फूड चैलेंज या बजट चैलेंज या कोई और बढ़िया चैलेंज यार। तो अभी फटाफट से ना अपने इवनिंग स्नैक्स खाते हैं और आपको बताते हैं कि लेके आए हैं बढ़िया सा अफगानी चाप रोल, ओए होए होए, साथ में हरी चटनी और थोड़े प्याज। लेके आए बाजी वासे, एंड मैं जो रात का डिनर लेके आया अपना वो लेके आया मैं सरदार जी मलाई चाप वाले से। तो फटाफट से यार की टेस्टिंग करते हैं, रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। चटनी में डुबोते बढ़िया से और ये बाइट लेते हैं बहुत तगड़ी। खाने में प्याज, ओए होए होए क्या रोल है यार, इवनिंग स्नैक्स का जुगाड़ तो बहुत बढ़िया हो गया। फटाफट से यार मैं इसे ना इंजॉय करता हूँ बढ़िया से। अब मैं सीधा आपको मिलता हूँ रात को डिनर के टाइम, और देखते हैं यार जब क्या आएगा, क्योंकि देखो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आगे नेक्स्ट चीज क्या होगी चाप की, आप डिसाइड करो, आपको पता लग गया तो कमेंट करके बता दो मेरे को, और फटाफट से आपको डिनर मिलते हैं और मैं इसे एंजॉय करता हूँ जल्दी से, अकेले खाएंगे लेकिन। अरे डिनर टाइम हो चुका है एंड डिनर में जो हम लेके आए हैं सरदार जी मलाई चाप वाले से, वो बताता नहीं फटाफट से प्लेट में टिंग करता हूँ बढ़िया से, आप साथ साथ देखो, बताने में मजा नहीं तो देखने में मजा आएगा, तो आप फटाफट से देखो क्या लेके आए हैं हमारे डिनर में। फटाफट से एक बार ना इन सबको एक बार थोड़ा गर्म कर लेते हैं, ठंडे हो गए ये, तो फटाफट से गर्म करके एंड अच्छे से प्लेटिंग ऑन करके फिर आपको बताते हैं, और आपने देख लिया होगा आपको कैसा लगा ये हमारा मलाई चाप टिक्का, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ आपकी चाप कौन सी फेवरेट है, हरियाली मसाला चाप, लेमन चाप, या फिर तंदूरी चाप, अचारी चाप, या और भी चाप जो नाम नहीं ले सकता मैं, वो वाली चाप, मतलब जो भी चाप पसंद है ना कमेंट कर दो फटाफट से, मैं इसको गर्म करता हूँ। शॉर्ट्स देखे होंगे आपको कैसे लगे हुए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अपनी मलाई चाप आ चुकी है एंड बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि भाई मलाई चाप मैंने क्यों ली, देखो मेरा अब सबका अपना मन होता है, मेरा मन था यार क्योंकि मसालेदार अभी नहीं खाना, वो बाद में देखेंगे, सरदार जी मलाई चाप वाली थी उसका फेमस मलाई चाप है तो यार वही खाऊंगा सबसे पहले, तो उसकी फटाफट से बाइट लेते हैं यार, पूरा मलाई लगाते हैं ये बाइट हमारी, ओह डैम प्याज और चटनी, गाइस सीरियसली यार बहुत टेस्टी है यार ये, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि सरदार जी मैंने पहली बार खाया है तो मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि बहुत टेस्टी होगा, द अमाउंट ऑफ मलाई इतनी तगड़ी है ना यार, मतलब सॉफ्ट चाप ना यार, लाइक सीरियसली भाई बहुत मजा आ गया, अब फटाफट से ना यार अपना डिनर इंजॉय करते हैं एंड आपको मिलते हैं सुबह, ये भी क्या है सुबह सुबह खाने को चाप वाला खोला होता है, एंड ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ ये ब्रेकफास्ट में आप पे यूज़ कर लिया जाए, वाई टू वेस्ट द फूड, सीधा मिलते हैं फिर हम सुबह लंच के साथ, तो यार जब तक के लिए मैं इंजॉय करता हूँ ये डिनर अपना। द नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड हमने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है, वो जो कल रात का डिनर था हमारा मलाई चाप टिक्का, ओए होए क्या अभी भी सॉफ्ट सॉफ्ट चाप था वो, तो यार अब बारी आ चुकी है लास्ट मील ऑफ द डे जो है हमारा लंच, तो फटाफट से अपनी लंच की तैयारी करने निकलते हैं घर से बाहर, ढूंढते हैं थोड़ा बहुत चीजें और फिर आपको अपना लंच दिखाते हैं, सीधा मिलते हैं आपको आप गाड़ी में, सो फटाफट चलते हैं वो लंच लेने के लिए एंड मैं यार बहुत एक्साइटेड हूँ कि लंच में यार हम कुछ ना बढ़िया ग्रेवी वाली चीज़ खाएंगे, वो पता लग ही गया होगा, तो बस अब चलते हैं अपनी चाप ढूंढते हैं बढ़िया सी कोई, या सेक्टर 10 में चलते हैं वापसी वहीं मिल जाएगा कोई बढ़िया, तो चलते फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हम आए हैं वीर जी मलाई चाप वाले पे एंड जरा अपना ऑर्डर देते हैं और जल्दी से घर जाके लंच करते हैं। सो यार फाइनली हमने अपना वीर जी मलाई चाप वाले पे ऑर्डर दे दिया है अपना, मस्त हमने लिया है तवा बटर मसाला चाप बढ़िया से एकदम मस्त यार, बटर बटर पूरा करवा के, और साथ में लिया मैंने हमारी रोटी, बटर नान का भी ऑप्शन था पर यार मुझे लगा वो ज़्यादा हैवी ना हो जाए, और बटर नान यार मतलब ठीक है वो, मतलब पर तवा छाप के साथ ये रुमाली रोटी और प्याज चटनी यार वो कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट, तो फटाफट से अपना ऑर्डर लेते हैं एंड फिर जल्दी से घर चलते हैं और प्लेटिंग करते हैं और अपना तैयारी करते हैं और उस लंच के साथ यार अपना 24 आवर्स खत्म करते हैं, जल्दी से घर चलते हैं यार, और एक सरप्राइज भी है आप लोग ले वो वीडियो के एंड में है तो वीडियो को पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल। सो यार
फटाफट से ना घर चलते हैं, और अब तो वेट नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी यार, जल्दी से घर पहुंच के चाप खाएंगे। सो भैया अपना लंच लेके आ चुके हैं हम, एंड हम अपना लंच लेके आए हैं इस बार वीर जी लाइट चौक वाले से। साथ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं, ये अभी आपको नहीं बताया जाएगा इसके बारे में, और एक सरप्राइज भी है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो सरप्राइज है वीडियो लास्ट में लग जाएगा आपको, तो तब देखना बढ़िया से, बहुत जो सरप्राइज है वो, और जो ये चीज है वो आपको आने वाले शॉर्ट्स में या रील्स में पता लग जाएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड हाँ, फूडी शर्मा शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करना सारे यार, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो आप फटाफट से अपने लंच टेबल निकालते हैं यार, भूख लगा दी है, चाप आइए चाप। शॉर्ट देखे होंगे और आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओए होए यार, और जो ये चाप बनी है क्या मतलब बनाई है यार, फटाफट से ना, वेट नहीं होता, बाइट लेते यार एक, वेट नहीं हो सकता, इसके बाइट लेके लंच कंप्लीट करते पूरा बढ़िया से, बाइट लेते एक। ओह माय गॉड, पर मैं प्याज कैसे इस चीज के लिए, तो अपनी चाप जो है ना तवा मसाला बटर चाप, और मैंने बटर एक्स्ट्रा डलवाया है कि थोड़ा मजा आना चाहिए ना, एक रिच क्रीमी लुक आनी चाहिए जो इसकी भरपूर आ रही है। सो यार इसी के साथ अपना आज का चाप फॉर 24 आवर यहीं खत्म होता है, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपको पता ही क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड जो मेन सरप्राइज था यार, जो मेन चीज थी जो मैं कह रहा था कि सरप्राइज लास्ट में, वो ये है यार, अगले मंडे मतलब इस मंडे तो जो वीडियो आएगी सो आएगी, मतलब आप लोग देख रहे होंगे अभी, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे यार उसमें हमारी वीडियो नहीं आ पाएगी, तो यार 2 वीक्स का ब्रेक हो जाएगा। आई नो कि बहुत मुश्किल से मेरा मोमेंटम बना है, मैं बैक टू बैक वीडियोस डाली जा रहा हूँ हर मंडे यार, क्योंकि ये है कि मेरे पेपर्स आ चुके हैं एंड मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, सो उसके पेपर देने मेरे को, तो यार उसके वजह से हम 2 हफ्ते नहीं डाल पाएंगे वीडियो, पर हाँ शॉर्ट्स आएगी हर ट्यूसडे फ्राइडे या फिर हर फ्राइडे फ्राइडे शॉर्ट जरूर आएगी। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला होगा हफ्ते बाद जो मंडे आएगा उसमें यहाँ का हम बीच में कोई अच्छी चीज़ डाल देंगे वीडियो, तगड़ी सी डालेंगे वीडियो, और जब तक ले आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी वीडियो आपको लोगों को देखनी है, कोई लोकेशन वाली, कोई स्ट्रीट फूड वाली, कुछ मैं एक्सप्लोर करूँ, या फिर 24 आवर बजट करूँ, या फिर 24 आवर कोई ऐसी फूड चैलेंज करूँ, कुछ और बढ़िया चीज़। सो यार अभी तक के लिए इतना, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक टाटा, ओके टेक केयर, बाय। You know.